हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना के लाई हूँ सूजी और दही का नाश्ता। जी हाँ, ये बहुत ही झटपट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वे में बना रही हूँ। देखिए, मैं बना चुकी हूँ। देखो, इसको मैं काट रही हूँ। इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी, मस्त लगता है। आप लोग इसमें ऐसे डिश में बना सकते हो, कटोरी में बना सकते हो, जो स्टैंड मिले इडली स्टैंड में भी बना सकते हो, लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा, झटपट बन जाएगा, कोई झंझट के बगैर। एक काटने पर ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट है। देखिए, ऐसा स्पंज उछल रहा है काटने में। इतना हेल्दी और इतना टेस्टी है कि आप लोग बोलोगे सुबह के नाश्ते में क्या, आप शाम को चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। ये मैं चाय के साथ ही बना रही हूँ, जो कि सब लोग ने दो तीन पीसेस खा लिए। चाय के बाद भी ये बनाई थी, खा लिए, फिर खाना भी थोड़ा बहुत कम खाए, क्योंकि सूजी से बनाए काफ़ी हेल्दी है। और अभी तो दही खाना तो बहुत अच्छा भी लगता है, एकदम थोड़ा टेस्ट में भी लगता है खट्टा दही। एक दिन पुरानी दही डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो उसी दिन का डालिएगा, लेकिन एक दिन पुराना दही बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए कितना जालीदार बना है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। देखिए कितना सॉफ्ट है, घर के इंग्रेडिएंट्स से इसको मैंने बना लिया है। बच्चे भी बड़े पसंद से खाएंगे, इनको केचप सा चिपका दीजिए खा लेंगे, या चाय के साथ दे दीजिए बड़े लोगों को। मैं तो बोलूँ ऐसे ही खाइएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको एक बार बनाना तो बनता है। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। कैसा बना आपसे भी सूजी और दही का ये नाश्ता रेसिपी, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। ढोकला ओकला तो मैंने काफ़ी दे चुकी हूँ मैं आपको, आप लोग उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसको भी एक बार से सूजी का ढोकला भी बोल ही सकते हो, लेकिन बहुत इजी वे में बनाया मैंने। चले बनाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले एक कांच का बॉल ले रही हूँ मैं, आप कोई भी बॉल ले। ये पतली सूजी है मेरे पास, ये 1.5 कप ले रही हूँ। आपके पास अगर मोटी सूजी होगी तो एक बार मिक्सी में घुमा लीजिए, पतली सूजी बन जाएगी। वो 1.5 कप लेने के बाद, ये 1 कप से भी ज़्यादा है खट्टी दही है, खट्टी दही है, इसीलिए इसको मैं 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा में डाल रही हूँ। अगर आपके पास मीठी दही है तो आप 1.5 कप तक मीठी दही डाल सकते हैं। देखिए खट्टी है, 1-2 दिन पुराना है, इसमें ना खट्टी दही बहुत टेस्ट लगती है। अगर आपके पास छाछ है, खट्टा छाछ, तो आप वो भी डाल लीजिए, वो तो एकदम औसम जाएगा जी। और गर्मी का मौसम में तो बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। फिर इसके बाद 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। फिर उसी डब्बे में मैंने 1 कप पानी डाला है। सूजी है, पानी अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन देख के ही डालना है, ज़्यादा नहीं डाल देना, फिर मेजरमेंट ख़राब होगा, फिर वापस सूजी उजी मिलाना क्यों, है ना। पहले कम ही डालना चाहिए, नमक हो पानी हो किसी में भी कम ही डालो, चाहिए तो हम डाल सकते हैं, वापस नहीं निकाल सकते, फिर मेजरमेंट ख़राब होता है ना। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। देखिए पानी डाला, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, अब्सॉर्ब हो गया। फिर 1/2 कप पानी डाला, मतलब 1.5 कप पानी डाला है मैंने। लेकिन अगर आपकी सूजी कम अब्सॉर्ब कर रही है, जैसे मोटी सूजी पीसे हैं एक एक बार होता है ना, तो ऐसा आप देख दाख के डालिए। देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया मैंने अच्छे से, इसको मिक्स कर ले। देखिए मिक्स करके इसको साइड कर दीजिए, 20 मिनट तो इसको रेस्ट की ज़रूरत है जी। अगर 1 घंटा भी कर लो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए रेस्ट। इसको ढक्कन लगा के 20 मिनट रेस्ट करने देते, तब तक थोड़ा मसाला हम लोग बना लेते हैं। इसके अंदर डाल रही हूँ हमाम दस्ता में कूटने के लिए 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये 3 हरी मिर्चें हैं, इसको ऐसे तोड़ के ही डाल दे रही हूँ मैं। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा। जी हाँ, जीरा, इन मसाला को कुटा जाना चाहिए, कूट के डालने में इतना अच्छा टेस्ट आता है। आप अदरक लहसुन पेस्ट उस्ट डालो तो उतना टेस्ट नहीं आता जितना आप कूट के डालेंगे। देख, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फिर इसको अच्छे से कूट लीजिए, देखिए इस तरह से। देखिए अगर आप कूटने को झंझट लग रहा है तो मिक्सी में डाल लीजिए, थोड़ा सा एक बार घुमा दीजिए। हाँ नहीं, मिक्सी उक्सी को निकाले हैं, झंझट लगता है इसलिए कूट देती हूँ। टक 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 टक, आपके घर में भी ऐसा होगा ना, कमेंट्स करके बताइए है कि नहीं आपके घर में ऐसे कूटने वाला। देखिए इस तरह से मैं तो अदरक लहसुन भी कूट के सब्जियों में डाल देती हूँ, पेस्ट उस्ट मेरे को पसंद नहीं आता इतना, कभी करो तो कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसा फटाफट डाल देती हूँ। फिर इसको साइड कर लेंगे। सूजी भी हमारी 20 मिनट से ज़्यादा फूल गई है, 20 से 25 मिनट हो गए। जैसे आप सुबह बनाना चाह रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी उठ जाए, जैसे उठ जाएगा तो तुरंत हाथ धो के फिर भिगो दीजिए सूजी, फिर अपना पूरा काम कर रहे थे कि मस्त भीग जाएगा।
फिर फटफट बन जाता, ज़्यादा देर लगता ही नहीं जी। फिर इसको अच्छे से बना मिक्स कर लेते हैं। सूजी को हम लोग कितना पानी डाले, 1.5 कप, फिर भी अच्छे से उसका पानी ऑब्जर्व कर लिया, मतलब सूजी अच्छे से पानी ऑब्जर्व कर लिया तो बहुत अच्छा स्पंजी बनेगा। देखिए ये कूटा हुआ मसाला है मेरा, दरदरा जो मैं कूट के डाली हूँ, इसको ऐसा डाल देना। महाराष्ट्र में ना ठेचा करके ना ऐसा मिर्ची, मूंगफली, जीरा सबका ना एक चटनी बनती है, इसी तरह कूटा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। मेरी सिस्टर की मेड भी बनाती है, तो मैं अगर आप लोग कमेंट्स करें तो ज़रूर बताऊँगी, जो रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ ऑनियन, घर में है जो सब्जियाँ रहेंगे तो डाल सकते हो, लेकिन मैं सिंपल वे में बना रही, सब्जी उब्जी नहीं डाल रही। इसको ऑनियन डाल रही हूँ, अच्छे से भर के एक बड़ा सा ऑनियन डाल ले, टमाटर डाल ले, है ना। फिर इसके अंदर डाल रही भर के धनिया पत्ती, धनिया पत्ती बहुत ही टेस्टी लगता है जी, एकदम मस्त उत्तपम से भर के रहता है और टेस्ट भी। फिर इसके अंदर डाल रही 2 बड़े चम्मच तेल, तेल डालना ज़रूरी है, तेल डालने से क्या फूलता भी अच्छा है, देन वो सॉफ्ट भी बनता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी भी केक भी बनाए, ढोकला बनाए, थोड़ा सा तेल डाल के आप बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। फिर इसको अच्छे से मला मिला ले, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कलरफुल। तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा बना आपसे भी ये सूजी और दही का नाश्ते की रेसिपी। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर ले, बस हो गया है मिक्स। देखिए इतना पतला होना चाहिए, जैसे रायता बनाते हैं ना गाढ़ा रायता, अंदाज़ा बता रही हूँ आपको, गाढ़ा रायता जो बनाते हैं हम लोग बिरयानी उरयानी के साथ, उतना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा भी गाढ़ा ना बना दे क्योंकि वो फूल से कड़क ना बन जाए, है ना, ऐसा रायता की जैसा थोड़ा बना ले। फिर एक केक टिन है मेरे पास एल्यूमिनियम का, जो केक वेक बनाते हैं, उसमें 1 चम्मच आधा चम्मच तेल डाल के स्प्रेड कर लिया। ऐसा केक टिन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा कि केक टिन नहीं है करके, आप स्टील डब्बा ले लें। इसके अंदर डाल रही 1 बड़ा चम्मच खाने का सोडा, जी हाँ खाने का सोडा, छोटा चम्मच था ना मेरे इसलिए 2 बार डाला मैंने, खाने का सोडा 1 बड़ा चम्मच डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास खाने का सोडा नहीं है तो आप एक सच इनो का आता है ना लेमन फ्लेवर वाला, वो डाल ले काट के, वो भी काम कर लेगा सेम। अब फटाफट थोड़ा काम चला, हाथ चलाना, भर के इसको डाल देना। देखिए अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो बोलो तो फिर आप स्टील डब्बा होता है, छोटे से खंडी टाइप रहती है, तपेला बोलता है हम लोग में छोटा सा, उसको भी आप उसमें भी थोड़ा डाल के डाल सकते हैं। इसे देखो इसके अंदर स्टैंड रख के पानी मैंने उबालने रख दिया है, फिर इसको अंदर डाल ले, गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे, लो करके इसको हम लोग थोड़ा सा सजावट करेंगे ये मिर्ची पाउडर से, सुंदर दिखेगा ना, अच्छा लग रहा है ना, इसलिए। देखिए इसको डालने के बाद अब इसको ढक देंगे हम लोग, ढक के एकदम 15 मिनट तक तो देखना नहीं है, 15 मिनट देखना नहीं है, 15 मिनट तक आप इधर उधर का काम कर ले, सुबह तो बहुत काम होता है भाई, 15 मिनट तक देखना नहीं है। अब स्टील का कटोरी, स्टील का डब्बे में भी कटोरियाँ भी बना के आप डर रख सकते हो, जैसे आप बोलोगे तो यार ये सब नहीं है, इडली स्टैंड है तो आप इडली स्टैंड में भी रख सकते हो, ढोकला का स्टैंड में भी रख सकते हो, तो एक जैसे कढ़ाई में फिट होने वाला जैसे अगर थाली हो तो उसको भी तेल डाल के लगा सकते हो। 15 मिनट बाद मैं इसको देख रही हूँ, देख लीजिए 15 मिनट बाद इसको मैं चाकू की मदद से देखती हूँ, बीच में कभी भी सेंटर में हुक करना चाहिए क्योंकि उसी में पता चलता है, ये हल्का सा गीला है, हल्का सा गीला है, भाप में पक जाएगा। दूसरी जगह देखती हूँ, ये तो बहुत नीट आया है, बस बीच में थोड़ा सा है, आप इसको 5 मिनट और ऐसा गीला अगर ज़्यादा लगता है चम्मच में तो आप 5 मिनट इसको रख के इसको निकाल दें। मैं इसको 5 मिनट रख रही हूँ, उसके बाद ठंडा करके मैं आपको दिखाऊँगी, पूरा ठंडा हो जाना चाहिए। देखिए ये मैं ले ली, पूरा ठंडा हो जाएगा ना वो अपना एडजस्ट अपने आप छोड़ देगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। देखिए छुपा रही हूँ मतलब पूरा ठंडा हो चुका है, बस ऐसा ताली ले ले फिर जादू खुल जा सिम सिम, हॉगी बोलते हैं ना खुल जा सिम सिम, बच्चे लोग को हॉगी सी रहे आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है वो भी, मुझे बहुत पसंद है। देखिए बस निकाल दिया, देखो कितना नीट एंड क्लियर, देखो डब्बा देखो कहीं कुछ नहीं चिपका है, जितना ठंडा होने देंगे ना मस्त निकल जाएगा, कोई झंझट नहीं रहेगा, इतना नीट एंड क्लियर। अभी तो हमको आपको दिखाने के लिए एक साइड कर रही, जब मैं हड़बड़ी रहती हूँ दोनों तरफ लगा देती हूँ, एक डब्बे में एक स्टील के बर्तन में, फटाफट बन जाता है, एक ठंडा होना तो दूसरा काट के दे दो,
और यकीन मानिए तीन चार पीसे से कोई खाएगा नहीं, बड़े बड़े हैं, पेट भर जाता है उनका। देखिए पूरा ठंडा होने के बाद अपने एजेस वो छोड़ देता है, फिर भी नहीं छोड़ता, किनारे पूरे अब थोड़ा चम्मच से या फिर चाकू की मदद से उसको किनारे निकाल लें। देखिए तैयार हो गया टेस्टी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। आप इसको चाय के साथ खाइए, टमाटर सॉस के साथ खाइए, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्पेशल तड़का लगा रही हूँ। देखिए ये तड़का प्लान ले लिया मैंने, उसके अंदर 2-2.5 चम्मच तेल ले लिया, उसके अंदर 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा, इसको फूटने देना है। देखो कैसे फूटने दे रही हूँ मैं, देखिए ऐसे मतलब फूटने देना है, कभी भी सरसों जीरा हड़बड़ी में नहीं करे, गरम तेल में डाल के फूटने देना, तो कच्चा ना कड़वापन आता है। थोड़ा सा उसके अंदर डाल रही हूँ मैं हींग, 2 चुटकी हींग डाला मैंने, 2 चुटकी हींग डालने के बाद इसके अंदर डालूँगी मैं 2 चुटकी उतना शक्कर। और अगर आप ढोकला का बैटर थोड़ा सा खाया हो रहेंगे ना पकने के बाद, थोड़ा नमक अगर कम कहीं लगता है ना, थोड़ा सा नमक भी आप डाल लें, ताकि वो स्प्रेड होते समय पूरा इक्वल हो जाएगा, ढोकला फीका अच्छा नहीं लगेगा ना इसीलिए। बस डाल दिया, तड़का तैयार, बस उसके अंदर डाल लेना है। देखिए कितना मस्त खुशबू, आप चाहते लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि लाल मिर्च पाउडर डाला है, मिर्चियाँ डाली है, इसलिए थोड़ा सा फोक कर दे, मतलब थोड़ा खड्डा खड्डा कर दे, मतलब चम्मच से या फिर आप चाकू से, बस इसके ऊपर डाल ले तड़का। अगर किसी को ऐसे ही खाना पसंद है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, आप तड़का ना लगाए, उसी के साथ खाइए, वो भी बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हम लोग मसाला डाले हैं, अदरक जीरा हरी मिर्च का नमक उमक तो डला हुआ है, और नहीं डला तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। बनाइए, ज़रूर बनाइए, अच्छा लगेगा, घर में है सबके, सब लोग छुट्टियां है, बच्चे हैं, ज़रूर बनाइए, एक से बढ़कर एक चीज़ बनाइए, ताकि वो बाहर ना भागे और घर का भी आपको हेल्दी खिलाने जैसे भी रहे। और मैं झटपट झटपट बनाने वाले रेसिपीज़ बताती हूँ, तो आपको बनाना तो बनता है, और आपका हाथ का बना तो क्या ही बात है, इतनी शुद्धता से और इतना प्यार से बनाओगे तो सेहत में भी लगेगा, उनको सेहत भी बनेगी और टेस्ट का टेस्टी। बस इसको इस तरह से काट लेना, पहले वाले ही बता रही, एकदम मस्त। आप चटनी के साथ खाइए, हरी चटनी भी बनाना सिखा चुकी हूँ, मीठी चटनी बनाना सिखा चुकी हूँ, सॉस के साथ खाइए, सीज़न किसी के साथ भी खाइए, लेकिन ज़रूर बना के खाइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, आपका मोटिवेशन का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच, मेरे बेटे का बर्थडे का आप लोगों ने अच्छे अच्छे विशेष डाले, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहूँगी। हम लोग कभी तो मुझे अलग लगता ही नहीं, एक फैमिली लगती है कि भाई हमको ये दिखाना है वो दिखाना है, जैसे होता है फैमिली मेम्बर को कुछ भी बनाया है तो उनको खिलाना कुछ दिखाना ऐसा टाइप रहता है, तो मुझे भी सेम वैसे ही है। आप लोग से मतलब एक जुड़ाव हो गया है अभी ये YouTube से, कि कुछ भी बनाओ तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ नहीं नहीं मैं अपनी YouTube फैमिली को पहले दिखाऊंगी फिर घर में बनाऊंगी तो मुझे एक जुड़ाव हो गया है, एक फैमिली जैसा, इसी तरह कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। और क्या क्या देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पर, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और गलतियाँ भी होगी तो ज़रूर वो भी बताइएगा, आपने बताओगे तो फिर कौन बताएगा, क्योंकि फैमिली बोली हूँ तो फैमिली ही सुधारती है और फैमिली ही संवारती है जी। तो ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं करके, और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।